नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कृपया करके अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि बिटकॉइन के जितने भी जो ट्रांजेक्शन हैं वो कन्फर्म क्यों नहीं हो रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है। तो बिटकॉइन के बारे में तो आप सभी को मालूम होगा, बिटकॉइन कब से स्टार्ट हुआ, क्या करंट रेट है। तो उस चीज़ों के बारे में ना बता करके आपको मैं मेन चीज़ आज बताने जा रहा हूँ कि ब्लॉकचेन क्या है। तो दोस्तों, आज एट प्रेजेंट आज के टाइम में टोटल मोर देन 50,000 से ज़्यादा जो बिटकॉइन के जो ट्रांजेक्शन है, जो ब्लॉकचेन जिसको हम बोलते हैं, वो पेंडिंग क्यों है और क्यों नहीं है, उसके पीछे क्या कारण है, तो उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, हम सभी जानते हैं दोस्तों, बिटकॉइन एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है जो कि एक ओपन सोर्स मार्केट के थ्रू लॉन्च हुई डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी है। वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग करेंसी है डिजिटल क्रिप्टो करेंसी। तो बिटकॉइन के जितने भी जो ट्रांजेक्शन हैं, जिस प्रकार से हमारे जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो बैंक्स में रिकॉर्ड होता है उसका टोटली हिसाब, इसी तरह भी बिटकॉइन का जो ट्रांजेक्शन का बाई करना, सेल करना, ट्रांसफ़र करना, उन सब चीज़ों का रिकॉर्ड हम रखते हैं ब्लॉकचेन के अंदर। ब्लॉकचेन कुछ भी नहीं है, नथिंग बट ब्लॉक और चेन। ब्लॉक चेन मिलकर बनाए एक तो ब्लॉक से और एक चेन से। इसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं और उनकी चेन्स होती हैं। उसके अंदर जो इनक्रप्टेड लैंग्वेज होती है, जिसको हम बोलते हैं कि मैथमेटिकल एल्गोरिदम, उसमें इनक्रप्टेड मैथमेटिकल एल्गोरिदम होती है जो कि कोडेड होती है, बिल्कुल इनक्रप्टेड फॉर्म में होती है। तो जस्ट लाइक उसको टोटल जो मिलकर के बंद, जब एक बीटीसी यहाँ से ए से बी तक ट्रांसफ़र होता है, जो बीच की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं हम ब्लॉक चेन। छोटे छोटे ब्लॉक्स की एक बहुत ही बड़ी चेन बनी होती है। जब ट्रांजेक्शन कन्फर्म होता है तो उसका जो ट्रांजेक्शन हैश है कि बीटीसी कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है, उसका जो टोटल रिकॉर्ड है वो ब्लॉकचेन में रखा जाता है। जो भी आप सेल करते हो, बाई करते हो, आपके वॉलेट से कितने बिटकॉइन रिसीव किया आपने, कितने सेंड किए। लेकिन आज क्या हो रहा है कि ट्रांजेक्शन है हमारे आजकल पेंडिंग चल रहे, वो क्यों चल रहे हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ब्लॉक्स क्या होते हैं। जैसे ये दिखा रखा है, इसमें B1, B2, B3, B4, ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम है। और इसमें क्या होता है कि हमारे ऊपर जब एक ट्रांजेक्शन होता है ए से बी तक हम सेंड करते हैं उसको, तो उसके बीच में कुछ प्रक्रिया होती है, तो वो मैं बता रहा हूँ। जिस प्रकार से छोटे छोटे ब्लॉक्स आप देख रहे हैं, ये होते हैं, ये सेंट्रल होता है, इसके अंदर जो है रिकॉर्ड होते हैं ट्रांजेक्शन के अंदर। फिर जब आपका एक ब्लॉक कंप्लीट बन जाता है तो बाहर निकलता है इस तरह से, और फिर ये जस्ट लाइक एक चेन बन जाती है इनकी, जो कि इसके अंदर आपका पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, ट्रांजेक्शन हैश उसका रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट क्या होता है कि आपने सुना होगा कि ब्लॉकचेन का जो ट्रांजेक्शन है वो पीयर टू पीयर होता है। ये पीयर टू पीयर क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो क्लाइंट सर्वर होता है फ्रेंड्स, एक क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, एक तो सेंट्रल सर्वर होता है और उसके नीचे क्लाइंट्स होते हैं। ये सपोज करो आपका सेंट्रल सर्वर है बिटकॉइन का, और उसके नीचे ये छोटे छोटे जो क्लाइंट्स हो गए, जस्ट लाइक अपना वॉलेट लगा लो आप, अपना पीसी, लैपटॉप, जो भी आपका हार्डवेयर है, तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सर्वर। ये सेंट्रल सर्वर से सारे कनेक्टेड होते हैं। और पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता है कि नेटवर्क जो है वो पीयर टू पीयर होता है, यानी कि एक सपोज करो ये वॉलेट है, ये आपका यहाँ से भी कनेक्टेड है, यहाँ से भी कनेक्टेड है, यहाँ से भी कनेक्टेड है, यानी कि एक आपका डायरेक्टली तीन से कनेक्टेड है, यानी कि आपका जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड है नेटवर्क, आपका जो बीटीसी का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सारा रिकॉर्ड रखता है पीयर टू पीयर। यानी कि अगर ये खराब भी हो जाए तो आपका रिकॉर्ड यहाँ सेव है, यहाँ सेव है, यहाँ सेव है, जस्ट लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाइंट्स। डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाइंट्स का मतलब ये होता है कि जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड नेटवर्क रखता है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूटेड रखता है अलग अलग क्लाइंट्स को। वो आगे क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, उस पर आप ध्यान दीजिए। पीयर टू पीयर नेटवर्क में मेन चीज़ यही है कि पीयर टू पीयर नेटवर्क का सारा ऑनलाइन डाटा का रिकॉर्ड नेटवर्क रखता है, और सारे जो सर्वर हैं वो आपके जस्ट कनेक्टेड रहते हैं, जस्ट लाइक बिटटोरेंट सॉफ्टवेयर, जिसमें दो स्पीड होती है, एक तो अपलोडिंग स्पीड होती है, डाउनलोड स्पीड होती है। जब आप कोई मूवी डाउनलोड करते हैं बिटटोरेंट सॉफ्टवेयर से, तो उसमें दो स्पीड दिखाएगा, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग। तो आपका जो मोबाइल है वो एज ए सर्वर का भी काम करेगा और एज ए यूजर का भी काम करेगा, तो उसको बोलते हैं पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी। जिस प्रकार से जब बीटीसी एक फॉर्म ए से बी तक जाता है, तो उसके बीच में जस्ट जितने ब्लॉक बनते हैं, जैसे फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, लास्ट में ये रेड कलर का जो दिखा रखा है,
एक बीच में जितने भी जो है ये ट्रांजेक्शन वेरीफाई होकर के आपका जो अमाउंट है यहाँ पर आ गया है। इसी तरह ये चेन्स बनती रहती है और उनमें रिकॉर्ड सेव रहता है, जितने भी जो चेन्स हैं नए नए ब्लॉक बनते रहते हैं और उसमें रिकॉर्ड सेव रहता है आपका। इस तरह से ब्लॉक 78, 79, 80, ब्लॉक 81A, फिर 82A, इस तरह से माइन ऑन फर्स्ट ब्लॉक। तो ब्लॉक बनने से पहले क्या होता है कि उनकी माइनिंग होती है। तो माइनिंग क्या होती है कि कोई भी जो माइनर होता है वो जब ब्लॉक की माइनिंग करता है तो जितना ज़्यादा उसका हार्डवेयर स्ट्रॉन्गेस्ट होगा उतना ही ज़्यादा वो ब्लॉक को कैच करेगा, माइनिंग करेगा और उसके जो ट्रांजेक्शन है उसको वेरीफाई करवाएगा, और वेरीफाई करने के बाद ही वो ब्लॉक बनता है और फिर वो एक चेन के रूप में यूजर तक पहुँचता है। तो उस तरह से एक आपका ब्लॉक जब बाहर निकलता है वेरीफाई होकर, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड उसमें सेव होकर के, तो बदले में माइनर को भी कुछ BTC मिल जाते हैं। यानी कि जिसका जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हार्डवेयर होगा वो उतनी ही जल्दी उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करेगा, किसके थ्रू, ऑनलाइन नेटवर्क के थ्रू और ऑनलाइन पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी के थ्रू, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के थ्रू। फिर आगे क्या होता है कि जैसे ये ब्लॉक 78, 79 ये देख रहे हैं आप, ये जितने बन रहे हैं, ये जितने भी ब्लॉक्स बन रहे हैं और उनकी जो चेन बनती है लास्ट में जब एक ब्लॉक बन के निकलता है तो उसके अंदर सारा आपका रिकॉर्ड रहता है ट्रांजेक्शन का। आगे देखिए आप, ब्लॉक क्रिएटेड मोर स्लोली लेस माइनिंग पावर। कई बार क्या होता है कि ब्लॉक बन ही नहीं पाते सही ढंग से नेटवर्क में, ये आपको ध्यान देने की चीज़ है। कई बार ब्लॉक बनते नहीं, कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, कई बार हार्डवेयर की प्रॉब्लम होती है। तो ब्लॉक क्रिएटेड एवरी टाइम और हर 10 मिनट में नए नए ब्लॉक क्रिएटेड होते रहते हैं। मोर माइनिंग पावर, किसी को मोर माइनिंग पावर की जरूरत है नेटवर्क को, किसी का ब्लॉक बहुत फास्ट क्रिएट हो जाता है और किसी का बहुत ही डिफिकल्ट जाता है और किसी का ब्लॉक बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करती है और सर्वर के ऊपर भी डिपेंड करती है क्योंकि सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड चल रहा है। तो मैं ये बताने जा रहा हूँ कि हाउ ए ब्लॉक चेन वर्क्स कैसे करता है, इस पर जरा आप ध्यान दीजिए। जैसे ए वांट टू सेंड मनी टू ए, कोई ए पर्सन है वो इसको बी को सेंड कर रहा है BTC, तो उसके बीच में क्या क्या प्रक्रिया है वो दिखा रखी। सबसे पहले तो आपका जो ट्रांजेक्शन है वो ऑनलाइन रिप्रेजेंट किया जाएगा ब्लॉक के थ्रू, फिर वो जो ब्लॉक है आगे जाएगा उसको, ब्लॉक इज ब्रॉडकास्ट टू एवरी पार्ट इन द नेटवर्क, और नेटवर्क में जितने भी है वो उसको ब्रॉडकास्ट कर देगा। ब्रॉडकास्ट कर देगा मतलब उसका जो ये BTC कहाँ से इसमें आ रहा है उसको पहले वेरीफाई करवाएगा ऑनलाइन नेटवर्क के थ्रू, फिर उसके बाद वो आगे जाएगा दोज इन द नेटवर्क अप्रूव द ट्रांजेक्शन इज वेल। और जब ऑनलाइन नेटवर्क में उसकी जो इनक्रिप्टेड कोडिंग हो गई, जब वो वेरीफाई हो जाएगी उस ब्लॉक की, तो वेरीफाई कर देंगे उसके ट्रांजेक्शन को और उसका जो ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ न्यू ब्लॉक। जब न्यू ब्लॉक जनरेट होगा तो दैट न्यू ब्लॉक कैन बी एडेड टू दी चेन, उस ब्लॉक को हम चेन में ऐड कर देंगे विच प्रोवाइड्स एन इनडेलिबल एंड ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन, और उसमें सारा रिकॉर्ड रहता है ट्रांजेक्शन का जो नया ब्लॉक जनरेट होकर के निकलता है और फिर आपके पास वो पैसा वॉलेट में आ जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी है, आपको समझना बहुत जरूरी है। ए से जब बी तक पैसा आता है वो पहले ब्लॉक बनता है, फिर उसको वेरीफाई किया जाता है, फिर नेटवर्क के थ्रू उसको चेक किया जाता है और फिर नया ब्लॉक बनता है, उसमें ट्रांजेक्शन है सबका रिकॉर्ड होता है। तो इन बीच में जितने भी स्टेप्स है उसमें कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार सर्वर की प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार नए ब्लॉक बनते नहीं, कई बार बहुत जल्दी बन जाते हैं और कई बार बहुत स्लोली बनते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपको समझनी पड़ेगी। सेंट्रलाइज डाटाबेस में ये होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस में ऐसे होता है इसका जो नेटवर्क काम करता है, ठीक है दोस्तों। ये नोड्स हैं ब्लॉक चेन्स के, कितने नोड्स हैं, कैसे क्या क्या बनते हैं और ये इसका प्रोटोकॉल है, ये अलग है, जस्ट ये जो भी मैं बैन बताया उसके बारे में डीपली एक्सटेंसिव है। नेक्स्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऑनलाइन जो डाटा है, सपोज करो मैं आपको अपना एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरा कोई ब्लॉकचेन का अकाउंट है उसके अंदर मेरे कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जो पेंडिंग है, ठीक है। तो मैं आपको वो दिखा रहा हूँ ट्रांजेक्शन पेंडिंग क्यों है और किस लिए है। तो ये मेरा ऑनलाइन डाटा है, ठीक है, इसमें जितने मेरे जो ट्रांजेक्शन है वो आप देख रहे हैं। तो इसमें क्या है कि ये अभी देखो ये कितने तारीख का, जून 13, जून 18, जून 18, जून 19, ये 4 ट्रांजेक्शन है ये जस्ट पेंडिंग है, ये पेंडिंग शो कर रहा है इसमें, ये देखो सब पेंडिंग है। क्योंकि इसको हम चेक कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपको ट्रांजेक्शन हैश निकालना आना चाहिए, इस पर क्लिक कीजिए सेंड पे, यहाँ एरो पे क्लिक कीजिए और फिर इस ट्रांजेक्शन हैश को आप कॉपी कीजिए, इसको यहाँ पे पेस्ट कीजिए राइट साइड में ऊपर कॉर्नर पर, और फिर उसके बाद वो आपको दिखाएगा कि अनकन्फर्म ट्रांजेक्शन, राइट साइड में ही दिखा रखा है अनकन्फर्म। इसी वजह से आप
लोग धोखा खा जाते हैं कि मेरा BTC नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। दोस्तों, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो भी कंपनी आपको बोलती है कि ब्लॉकचेन की प्रॉब्लम है, तो आपको समझना चाहिए कि आज के दिन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कितने चल रहे हैं। 24 आवर में 7.8.9 मिलियन